ग्रीटिंग बच्चों, आप सब जानते हैं हमारा पांचवी कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 6 आप बीति प्रारंभ हो चुका है, जिसके आपने पेज नंबर 37, 38 और 39 को आपने पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो आज हम पेज नंबर 40 से यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी हेडिंग क्या है, किसको कितना पानी। बच्चों, आपके घर में अखबार आता होगा, अखबार में आपने फसलों से संबंधित बहुत सारी ऐसी हेडिंग या शीर्षक आपने जरूर पढ़े होंगे। देखिए, दो आपके सामने एग्जाम्पल हैं। पहला क्या शीर्षक दे रखा है कि 1.25 लाख एकड़ में लगी फसलें बर्बाद। दूसरा देखिए क्या है, मेवात में ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान। ये ओलावृष्टि क्या होता है, ओलों का बहुत अधिक बरसना। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब बहुत तेज बारिश आती है तो ओले गिरते हैं। ओले कैसे होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं ना, और वो कितनी तेज गिरते हैं, जब ऐसे बजते हैं बिल्कुल धरती पर, तो जब वो बहुत अधिक बरसते हैं तो वो फसलों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उससे बहुत अधिक फसलों को नुकसान होता है। और आपने और भी आपने ऐसे शीर्षक कुछ मिलते जुलते पढ़े होंगे, जैसे और होते हैं कि बेमौसम खराब हुई फसल का किसान मांग रहे मुआवजा, या आपने ये भी पढ़ा होगा कि खेतों में जल भराव से यानी बारिश अधिक होने से जो मिर्च की फसल थी वो बिल्कुल सूख गई। ऐसा भी आपने कुछ शीर्षक जरूर पढ़ा होगा। तो इन्हीं से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये देखिए कौन सा प्रश्न है कि क्या आपके इलाके में भी कभी बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, तो बताइए आप। तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूर हुआ होगा हमारे इलाके में, मेरे इलाके में तो जरूर हुई है ऐसा। तो आप भी इसमें बता सकते हैं कि हाँ, हमारे गांव में इस साल बेमौसम जब बारिश हुई थी और ओलावृष्टि हुई तो उससे क्या हुआ, गेहूं की या धान की जो भी फसल आप बता सकते हैं, जो भी फसल आपकी नष्ट हुई है आपके आसपास जो भी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वो फसल बर्बाद हुई है, और इससे पहले भी कुछ साल पहले भी ऐसी फसलें बर्बाद हुई थी। ठीक, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। और आगे पूछा है कब कब हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि पिछले वर्ष या 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी आपको याद आया हो कुछ, या अपने मम्मी पापा से पूछिए कि ऐसा कब हुआ, तो वो आपको बताएंगे कि कौन से उसमें वर्षा ने गेहूं की फसल को नष्ट किया था। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के अतिरिक्त फसल बर्बाद होने के और कौन से कारण हो सकते हैं, तो बताओ कैसे कब फसल बर्बाद होती है। जब सूखा आता है, जब बारिश नहीं होती तो सूखा हो जाता है तब भी फसल खराब हो जाती है, और फसल को बीमारी भी लगती है तब भी फसल खराब हो जाती है, कीटों के कारण भी फसल खराब होती है, और जो आवारा पशु होते हैं वो खेत में घुस जाते हैं और फसल को ख़त्म कर देते हैं खा के, तो उससे भी क्या है, फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। जो फसल बारिश में वर्षा ऋतु में हम बोते हैं उन फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। और वो कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे ज्वार या बाजरा, ज्वार बाजरा दोनों। ठीक, और आगे देखिए, जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु क्या होता है, सर्दी की ऋतु में जो फसल बोई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूं और चना। तो आप ये देखिए, पहले कौन सी फसल आई थी, खरीफ की फसल, वो कौन सी होती है, ज्वार बाजरा, और कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में। फिर है रबी की फसल जो हम शीत ऋतु में बोते हैं, और वो है गेहूं और चना। तो ये आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए और किन को सामान्य और किन को सामान्य से कम। ये टेबल सी बना रखी है और इसमें हेडिंग है कि ज्यादा पानी की आवश्यकता वाली कौन कौन सी फसलें हैं। तो ये देखिए कौन कौन सी हैं, ये होती है धान, ये ज्यादा पानी पीती है, मक्का, सूरजमुखी, प्याज, लहसुन, ये जितनी भी फसलें हैं ना,
तो ये क्या करती हैं, ज़्यादा पानी मांगती हैं। ठीक, उसके बाद है सामान्य पानी वाली, वो कौन सी फसलें हैं, वो हैं गेहूं, गन्ना, कपास, चुलाई, जौ। ये सारी फसलें हैं जो नॉर्मल वाटर को लेती हैं। और उसके बाद है सामान्य से कम पानी वाली, ठीक, वो कौन कौन सी फसलें हैं, बाजरा, चना, सरसों, अरहर, उड़द, तिल, ग्वार। ये सारी फसलें जो हैं सामान्य से कम पानी लेती हैं। तो ये आपको तीन तरह के ये टेबल ये आपको समझ में आ गई होगी कि फिर से देख लो, ज़्यादा पानी वाली कौन थी, धान, मक्का, सूरजमुखी, प्याज, और सामान्य पानी वाली गेहूं, गन्ना, कपास, चुलाई, जौ, और सामान्य से कम वाली बाजरा, चना, सरसों, अरहर, उड़द, तिल, ग्वार। तो ये आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आपके इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं या कोई अन्य साधन भी वो अपनाते हैं? तो आपके इलाके में आप पता कीजिए, किसान आपके आसपास किसान जरूर रहते होंगे, वो सिंचाई के लिए क्या केवल बारिश पर निर्भर रहते हैं या और कुछ भी अपनाते हैं? तो वो आपको बताएंगे कि वो नहरों का पानी भी लेते हैं, ट्यूबवेल से भी पानी लेते हैं। ठीक, तो दोनों इसमें आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, किसान सिंचाई के लिए प्राय और किन-किन साधनों का प्रयोग करते हैं, बताइए कौन-कौन से साधन? तो अभी हमने पढ़ा था तो नहर और ट्यूबवेल, तो फिर देखिए इसमें भी हम यही लिख सकते हैं, कुएं, तालाब, नहरें, ट्यूबवेल। तो ये सब इनसे किसान जो है पानी खेती के लिए लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने आसपास के किसी गांव में जाओ, वहां पर आपको कुछ किसानों से मिलना है। अगर आपके आसपास भी हैं, घर के आसपास भी, तो आप उन किसानों से भी बात कर सकते हैं और आपने कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है। वो कौन सी है? सबसे पहले जिस किसान से आप मिलोगे उसका नाम लिखोगे, पूछना अंकल जी आपका नाम क्या है, फिर आपने नाम यहाँ पर लिखना है, फिर उनसे पूछो कि आपकी खुद की खेती है या नहीं, तो बताएंगे है या नहीं, वो आप यहाँ लिखोगे हाँ या नहीं में। ठीक, फिर उनसे पूछो अंकल जी आपकी कितनी जमीन है, आपकी कितनी जमीन पर खेती होती है, तो आपको बताएंगे, वो 20 भी बता सकते हैं, 10 भी बता सकते हैं, 30 भी, 50 भी, जितनी भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उनसे पूछिए कि आप क्या उगाते हैं, वो आपको उन फसलों के नाम बताएंगे। तो जो जो वो फसल के नाम बताएं वो आप यहाँ पर लिखते जाइए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, उनसे पूछिए वो आपको बताएंगे। फिर आप उनसे पूछिए कि अंकल जी आपको क्या क्या परेशानी होती है जब आप फसल को बोते हैं, तो बताएंगे कि जब वो धान लगाते हैं या धान व गेहूं काटने का समय आता है तो उस समय उन्हें परेशानी होती है। तो वो जो भी आपको कारण बताएं वो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रश्न देखिए, ये वाले हमने पहली वाली वीडियो में कर लिए थे, अब इन्हें देखते हैं। कुछ शब्द दे रखे हैं आपके सामने, उनके आपने वाक्य बताने हैं। तो देखिए, भूखमरी पहला शब्द दे रखा है, भूखमरी क्या होता है, भूखा, भूख से मरना। तो मैंने एक वाक्य बनाया है, हम भूखमरी के कारण एक बच्चे को खोते हैं। तो आप इसकी जगह जो भी आपको सही वाक्य लगता है कुछ और भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अकाल। अकाल क्या होता है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो फसलें क्या होती हैं, तबाह हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे सामने खाने और पीने का गंभीर संकट भी पैदा हो जाता है, और जो भूमिगत जल के स्रोत हैं वो भी सूख जाते हैं। तो हम ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाल। और इसका वाक्य देखो मैंने क्या बनाया है, कई सालों से वर्षा न होने के कारण यहाँ अकाल पड़ गया है। ठीक, और अगर इसकी जगह आपको कोई और वाक्य भी आता है तो वो भी आप इसे बना सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या है, भंडारण। भंडारण क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करके रखना, इकट्ठा करके रखना, एक जगह पर रखना। अनाज का भंडारण सही करने पर अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, ये अनाज का भंडारण सही करने पर, अगर हम उसका अनाज को सही भंडारण करें, सही जगह जोड़ के रखें, तो हमें किसी को भी अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला देखिए, फसलों का हेर फेर। जमीन की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हमें फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए।
क्या करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी जमीन उपजाऊ बनी रहे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक जैसी फसल नहीं बोनी, इसलिए हमने बदल बदल कर फसलों को बोना चाहिए। अब आगे देखिए, उन खाद्यान्नों के नाम बताओ, और लिखना है हमने जिनका हरियाणा निर्यात करता है और आयात करता है। देखिए दो शब्द आए हैं आपके सामने नए, निर्यात और आयात। निर्यात क्या होता है, जो चीजें देश में जरूरत से अधिक हैं उन्हें दूसरे देशों में भेजना, उसको तो बोलते हैं हम निर्यात। निर्यात क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं, जो चीज हमारे देश में है और वो जरूरत से अधिक है तो उसे हम दूसरे देशों में जब भेजते हैं तो उसे हम निर्यात करना कहते हैं। और आयात क्या होता है कि देश के बाहर से देश के अंदर उन चीजों को मंगवाना जिनकी देश में कमी होती है, उन्हें हम आयात कहते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कौन कौन सी चीजों को निर्यात करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, गेहूं, चावल, चीनी, कपास, सूरजमुखी, प्याज आदि। मैंने आदि इसलिए लिखा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। और आयात कौन सी चीजें हैं, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, सेब, संतरा, दालें, मसाले आदि। तो ये सब चीजें हम आयात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। के बाद आगे देखिए, चर्चा करना है कि फसलें खराब होने से किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने बताना है कि जब फसलें खराब हो जाती हैं तो उसके किसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कि फसल जब खराब होती है, किसानों की जो दशा है बहुत ही दयनीय हो जाती है। दयनीय मतलब बिल्कुल उन्हें बहुत अधिक नुकसान होता है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और जब वो कर्ज लेते हैं, वो चुका नहीं पाते, तो जो आढ़ती हैं, साहूकार हैं, वो उन्हें सुनाते हैं और उन्हें दूसरों की दया पर जीवन को बिताना पड़ता है। तो ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला, क्या जमींदार भी इससे प्रभावित होते होंगे। बिल्कुल इसमें वो प्रभावित होते हैं, तो बताइए, मुझे लगता है कि वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जो जमींदार होते हैं वो तो अपनी जमीन को क्या करते हैं, ठेके पर गरीब किसानों को दे देते हैं, और चाहे फसल अच्छी हो चाहे नहीं हो, वो तो अपने ठेके के पूरे पैसे ले ही लेते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला, किसान का अनपढ़ होना भी कठिनाइयां पैदा करता है, कैसे, तो बताइए कैसे। तो आप इसमें बता सकते हैं कि अगर किसान कोई अनपढ़ है तो जो वो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए, जब वो अपने खेतों के लिए, फसल के लिए जो कीटनाशक दवाइयां लाता है, उनके ऊपर नाम जो लिखा होता है ना, वो इंग्लिश में होता है, तो अगर वो उनको पढ़ नहीं पाते तो क्या होगा, तो उन्हें ये भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी दवाई कैसे डालनी है, ये बड़ी दिक्कत आती है। तो उन्हें ये कॉपी में लिख कर रखना पड़ता है, और ना ही अंग्रेजी नाम उन्हें पता होता है, तो ना ही वो उसको ढंग से बोल पाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अनपढ़ होने की वजह से वो जो दवाइयां हैं ना तो वो उनको कॉपी पर लिख सकते हैं, ना ही वो उनको पढ़ पाते हैं। दूसरा, बैंक या मंडी से वो अपना जब हिसाब किताब उनको करना होता है, उन्हें खुद तो हिसाब किताब करना आता नहीं, तो इससे क्या होता है, उनके साथ गड़बड़ी भी हो सकती है। और तीसरा, आजकल जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तकनीकी युग है, उसमें उन्हें कंप्यूटर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ना ही वो उन्हें मौसम के बारे में, मौसम का हालचाल जो भी है वो उन्हें कुछ भी इस बारे में पता नहीं होता, जिससे उनको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला, क्या मुआवजे के पैसों से किसान के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तो बताइए। तो ये मुझे लगता है कि सरकार द्वारा जो दिया गया मुआवजा होता है उससे किसान के नुकसान की भरपाई पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि समय पर जो ये भरपाई होती है वो थोड़ी सी तो मददगार होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि पूरी इनके किसान का नुकसान की भरपाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती और उनकी हिम्मत जो है जवाब दे जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, चित्र देखिए, और आवश्यकता से अधिक वर्षा और वर्षा की कमी का लोगों के जीवन तथा फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला अधिक वर्षा से देखो क्या हुआ, और दूसरा
बारिश की कमी से सूखा दिखाई दे रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसमें जल ही जल दिखाई दे रहा है आपको, नष्ट हो गया यहाँ भी और यहाँ भी सब कुछ नष्ट दिखाई दे रहा है। तो अधिक वर्षा का क्या प्रभाव होता है, सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि बाढ़ें आ जाती हैं, पानी भर जाता है सब जगह। दूसरा, फसलें नष्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, लोगों के कच्चे घर भी टूट जाते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और जब वर्षा की कमी होती है उससे क्या नुकसान होता है, अकाल पड़ जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, और जल की कमी हो जाती है, पीने का जल का संकट पैदा हो जाता है, और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ये आप सब पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में ये हमारा पाठ पूरा हुआ, इसे आप फिर से देखिए, समझिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।